समा गणेशा सुशीला स्टिच वर्क चैनल में आपका स्वागत है। तो ये मैं कांच वाली कटिंग कर रही हूँ, तो इसका वीडियो बना रही हूँ मैं। ये बाजू की कटिंग कर रही हूँ मैं, तो बाजू की लंबाई ये कांच वाली है मेरे पास नाप, तो आप नाप से भी कट कर सकते हो इस तरह। तो ये लंबाई इसकी ऐसे इस तरह लेनी है। ये मगजी है, मगजी समेत लेनी है, ये लगाई और यहाँ से ये 16 इंच की है, इंची टेप से भी आप नाप सकते हो। ये तो लंबाई होगी और इसकी ये चौड़ाई है। चौड़ाई हमेशा यहाँ से नहीं लेनी है, यहाँ से क्या कम ज़्यादा कट कर लेते हैं जब सिलते हैं, तब थोड़ा सा पीछे से लेना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से लेती हूँ लंबाई इसकी, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए पूरा है, जैसे फिटिंग सिलाई एडवांस इसके अंदर ही ले रखा है, तो जितनी ये है उतनी ही लेना है। तो ये मैं जितना है उतना ले लिया मैंने। ये बाजू की कटिंग कर रही हूँ, तो अब हम इसकी कराकी कट करेंगे। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और कराकी का भी आप नाप ऐसे नाप सकते हो। ये है जैसे अंगुले से भी नाप सकते हो, ये सीधा वाला पॉइंट नापना है। ये 4 इंच मेरे फिटिंग में है, तो हम एक एक इंच एडवांस ले लेंगे, 5 इंच की कराकी कट कर लेंगे। और यहाँ से भी आप ऐसे नाप सकते हो, एक में 3 अंगुल छोड़ के और यहाँ से लेना है। इंची टेप से भी आप, तो 5 इंच की हम ये कराकी कट कर रहे हैं, ये देखिए। और ये सेंटर पॉइंट पे मैंने निशान लगा दिया है। और यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ लेना है, क्यों यहाँ हम पीछे बांधते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा ये अटपटा सा लगता है, गर्दन में आ जाता है, ये थोड़ा पीछे आ जाएगा। तो मैं हल्का से थोड़ा नीचे सेंटर पॉइंट से नीचे लगाती हूँ ये निशान, और ये ऐसे करके कट कर देना है, आपको आसानी रहेगी, सिल पड़ जाएगा यहाँ पे, तो कट करने में कराकी आसान सी रहेगी। तो ये देखिए एक निशान सा बन गया है। और यहाँ से हम एक गोलाई लेंगे, यहाँ से हम एक थोड़ी सी गोलाई, यहाँ पे वापस टुक्की जुड़ती है, तो हम ऐसे एक गोलाई कर देंगे। यहाँ वापस सीधी कर देंगे, तो ये देखिए मैंने थोड़ा पीछे से काटा है, क्यों बांधने में आसानी रहती है फिर पीछे। तो ये कराकी कट हो गई है, इस तरह ही कट करना है। आप यहाँ समझ में नहीं आओ तो ऐसे नाप के भी काट कर सकते हो, एक में और 3 अंगुल छोड़ के, 4 अंगुल छोड़ के फिर कट करना है, ताकि ये बैठ जाएगा आपके कराकी, छोटी बड़ी आप नाप सकते हो। तो ये कराकी की कटिंग हो चुकी है, अब मैं बता देती हूँ इसकी टुक्की कट करेंगे, जो वो पीछे फड़का जुड़ता है वो, तो इसमें से कट कर लेंगे हम एक, तो वो बीच में केवड़ा बोलते हैं, मैं वो कट करूँगी। तो केवड़ा हम 4 इंच का कट करेंगे, तो ये केवड़ा कट कर रहे हैं हम जो टुक्की के पास जुड़ता है। ये मैं 4.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से मैंने निशान लगाया है 3.5 पे, और यहाँ पे 2 इंच है या 2.5 इंच पे आप लगा सकते हैं। अब हम टुकी कट करेंगे, तो ये पीछे वाला वो फड़के होते हैं वो कटिंग कर लेते हैं हम पहले। तो मैंने बाजू का नाप लिया था 8.5 लिया था, पर लेकिन मैं ये 7, ये कितना आ रहा है 8 इंच आ रहा है। आप इस तरह भी नाप ले सकते हो, एक में
और ये मैं 8 इंच का कट कर रही हूँ और इसकी और 10 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से अलग कर देंगे। ये 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा हम अलग कम करेंगे। नाप के बता देंगे 8 इंच से ज़्यादा था तो हम कट कर दिए। और अब हम टुक्की कट करेंगे। अब हम ये टुक्की कट कर रहे हैं। साड़ी से पे निशान लगा रही हूँ मैं। एक चौकोर डब्बा बना देना है, साड़ी से इधर ही लेंगे। और इधर ही साड़ी चाहिए, एक चौकोर डब्बा बनाना है। गोल करना है। गोलाई देनी है। देखते हैं, ये टुकी तैयार हो गई है, इसको अलग कर देंगे। मैंने थोड़ी बड़ी ली है क्योंकि मैं अल्टरेशन करूंगी। ये टुकी होगी और ये अभी नीचे वाला बड़ा है, बीच वाला, तो इसी का नाप से हम ये पट्टे कट करेंगे। टुक्की के नीचे जुड़ता तो जुड़ता है वो, तो यहाँ से कट कर लेंगे सीधा। और थोड़ा ये ज़्यादा है तो की नहीं कि बाद में कट हो जाएगा ये, तो ये काट दिए मैंने। ये इस तरह जुड़ेगा और ये टुकी जुड़ेगी। फिर पहले ये जोड़ना पड़ेगा, फिर ये टुकी जुड़ेगी और फिर इसका ये पीछे वाला ये फड़के हैं ये जुड़ेंगे इस तरह। और इसकी ये बाजू है जो मैंने कट की है, आपको बता देती हूँ मैं। ये बाजू है और ये कराकी है, बाजू की कराकी मैंने यहाँ से कट करी है, ये यहाँ रख रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरह कांचली कट करना है और इसी तरह जोड़ना है। ये पीछे वाला पार्ट फड़का है, इसमें कोई लोग ये भी नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट ये पट्टा ही जोड़ता है, लेकिन मैं ये जोड़ती हूँ क्योंकि अच्छे से बैठती है। और ये कराकी मैंने काटी है, इस तरह ये जुड़ेगी। तो वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।